श्रीनगर के दक्षण में 12 किलोमीटर की दूरी उत्ते स्थित पंपोर शहर अते इसके आले दुआले के पिंडां का अनोखा नज़ारा है। पठारी भूमि की इस पट्टी च दुनिया का सब तो कीमती मसाला पैदा होता है। ये कश्मीर की शान है, खुसूसन इस पंपोर इलाके की। सुखी भूमि धरती उत्ते विछे अनगिनत फुलां दे विस्तर झोने दे हरे खेतां ते कश्मीर दी ताजगी तो अड अपने वल ध्यान खिंचदे हन। कश्मीर आउण वाले हर सैलानी दा कश्मीर दे बाजारां विचों केसर लेना तय हुंदा है। बहुत सारे सैलानी निजी तौर उत्ते पंपोर आउंदे हन। इत्थों दे लोकां दी आर्थिक स्थिति चंगी है अते इस दा सहरा केसर दी काश्त नूं जांदा है जो सदियां तो चल रही है। इस खेतर दे लोक खेती नाल खुश हन क्योंकि यह उन्होंने अपने आप को वित्तीय तौर उत्ते मजबूत करता है। स्थानक पद्धर उत्ते सीमित खपत के बावजूद केसर कश्मीर के सभ्याचार का एक बड़मुला हिस्सा है। मशहूर वजवान दावत अते विलक्षण पीन वाला कहवा केसर तो बिना अधूरा है। पिछले कुछ दहाकों तो इत्थे दे स्थानक लोगों लिए केसर की काश्त करना एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है। उन्होंने विचों कुछ ने तो उम्मीद छड़ दी है पर प्रशासन केसर की काश्त नूं मुड़ शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आज से 10 या 20 साल पहले की बात करेंगे तो इतनी मकदार होती थी ज़ैफ़रान की कि ये इलाका बिल्कुल खुशहाल नज़र आता, लेकिन बदकिस्मती से चंद दहाइयों से इसकी काश्त में कमी हो रही है। केसर का व्यापारक मूल है। इस विच वड्डी मात्रा च क्रोक्रीन, पिक्रोक्रोसीन अते सफारिनल कैमिकल है। इस कारण दवा उद्योग विच इस दी मांग बहुत ज्यादा है। केसर दी वरतों इत्र बनाउण, रंग बनाउण अते सिंगार उद्योग विच कीती जांदी है। भारत विच हिंदू श्रद्धालु इस नूं कई तरीकियां नाल देवतियां नूं चढ़ाउंदे हन। केसर दी काश्त बहुत ही विलक्खण है। 1 किलो केसर दे झाड़ लई 70 लाख फुल खिड़ने चाहीदे हन। पिछले कुछ दहाकियां दौरान केसर दी काश्त ने बहुत सारियां चुनौतियां दा सामना कीता है। सरकार दे समय सिर दखल अते किसानां दे दृढ़ इरादे कारण केसर दी खेती मुड़ तो शुरू हो गई। साल 2020 विच पहली बार केसर नूं भूगोलिक संकेत टैग मिलिया जो हुण सानूं ईरान, इटली अते स्पेन दे विरुद्ध मुकाबले वाले बाजारां विच दृढ़ता नाल खड़े होण विच मदद करेगा। जो हमारी सारी गवर्नमेंट की कोशिश थी कि वी वांटेड दैट वी शुड हैव अ जीआई, इट वाज अवार्डेड। जीआई से सबसे ज़्यादा एक पहले एक आइडेंटिटी सैफ्रॉन की मिलती है कि दैट इट इज़ नेटिव ऑफ कश्मीर, नंबर वन वो यूज़ करने से, नंबर टू एक ब्रांड मिलता है, उसके बाद एक लोगो मिलता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस जो बायर को चाहिए ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जीआई टैगिंग दे नाल राष्ट्रीय केसर मिशन पूरा होने दे नेड़े है। यह मिशन भारत वालों केसर दी काश्त नूं मुड़ सुरजित करन दी कोशिश है। साल 2010 विच शुरू कीता यह अभिलाषा मिशन आधुनिक खेती दी नींह रखता है। अभी सैफ्रॉन दुनिया की किसी भी जगह पर से जहां से आता हो कि उनको जीआई भी नहीं मिला हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे मोरक्को हो, चाहे ग्रीस हो, दिस इज द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जहाँ से सैफ्रॉन आता है, अभी जीआई उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमारा सैफ्रॉन जो टेम्परेट रीजन से आ जाता है, दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। इस मिशन तहत 3700 हेक्टेयर जमीन है जिस विच इस वेले केसर दी काश्त कीती जांदी है। साल 2018 विच कुल 5 से 6 टन केसर दा उत्पादन होया जबकि अगले साल झाड़ लगभग 3 गुना हो गया। केसर दी काश्त बहुत ही वधिया काम है। मौसमी कैलेंडर विच थोड़ी तब्दीली करके फसल भी प्रभावित हुंदी है। अक्टूबर विच फूल पूरे खिड़ जांदे हन। इह सिर्फ तां ही संभव है जे सितंबर दे पहले हफ्ते फसलां नूं पानी दे बशार मिली होवे। स्प्रिंकल वाटर सिस्टम दी शुरुआत नाल फसल हुण पूरी तरह इंद्रदेव उत्ते निर्भर नहीं है। फसलां दी रक्षा अते इस दे झाड़ नूं वधाउण लई आधुनिक ढंग अपनाउण दे यंत्रां नाल कश्मीर दा केसर उद्योग अपने सदियां पुराने इतिहास दा नवे अध्याय लिखण लई तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। टू वॉच 24x7 न्यूज़ लाइव डाउनलोड ETV Bharat app.